Here is the question number second, exercise 5.1. Write first four term of AP when the first term A and common difference D are given. तो यहाँ पर first four term find करना है. First term A दिया है और common difference D यहाँ पर given दिया हुआ है. तो देखिए कैसे find करेंगे यहाँ पर. हमारी general form थी, general form of AP. General form of an AP हमारी ये थी. उसमें हमने देखो क्या थी, ए ए प्लस डी, ए प्लस के टू डी और ए प्लस के थ्री डी. इससे हम फोर टर्म फाइंड करेंगे. तो देखिए ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म हो गई ए इक्वल टू ये 10 और सेकंड टर्म है हमारी ए प्लस के डी. तो ए कितना है 10 और डी कितना है 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20. थर्ड है हमारी ए प्लस टू डी, ए प्लस के टू डी, तो ए की वैल्यू है 10 और 2 और डी की है 10, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 10 टू या 20 और इक्वल टू कितना आ गया 30. तो ये थर्ड टर्म हो गई. और फोर्थ टर्म देखिए a प्लस का 3d, तो a है हमारा 10 प्लस के 3 और d 10, तो 10 और प्लस 3 10 या 30, तो 30 10 हो गया 40. हमारी फोर्थ टर्म हो गई 10 20 30 एंड 40. ये हो गया आंसर. सेकंड देखिए, सेकंड में ऐसे ही फाइंड करेंगे a a प्लस d, ए प्लस के टू डी और ए प्लस के थ्री डी. ये फोर टर्म हो गई. अब देखिए ए इक्वल टू दिया है 4, ये फर्स्ट टर्म हो गई. सेकंड टर्म ए प्लस के डी, तो ए कितना है 4 और प्लस डी दिया है माइनस के 3, तो 4 माइनस के 3 इक्वल टू 1. थर्ड दिया है ए प्लस के टू डी, तो ए कितना है 4 और प्लस के 2 और डी की वैल्यू है माइनस के 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 टू या 6, तो ये माइनस 2. और फोर्थ टर्म है ए प्लस का 3d, तो ए है 4 और प्लस के 3 और d की वैल्यू है माइनस के 3, तो इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस और 3 3 या 9, तो माइनस किया ये माइनस के 5. तो फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 1 और माइनस 2 और माइनस के 5. तो फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म माइनस के 2 और फोर्थ टर्म माइनस के 5. ये आंसर. Here is the question number third. For the following APs, write first term and common difference. तो यहाँ पर आपको first term और common difference find करना है. तो देखिए first दिया series 3, 1, minus 1, comma minus 3 और that is. तो यहाँ पर first term है, तो a equal to कितना आगे 3, ये first term है और common difference हम find करेंगे, तो a2 minus के a1, तो a2 कितना है 1 और a1 कितना है 3, तो ये कितना आ गया minus 2. एक और से find करके देखते हैं, तो a3 माइनस के a2, a3 कितना है माइनस 1 और माइनस a2 कितना है 1, तो इक्वल टू माइनस 2. हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माइनस 2. नेक्स्ट देखिए थर्ड, इसका देखिए 1 अपॉन 3, 5 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 और 13 अपॉन 3. तो यहाँ का इसका फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 1 अपॉन 3 और डिफरेंस देखिए a2 माइनस के a1, तो a2 कितना है 5 अपॉन 3 और ए वन कितना है 1 अपॉन 3. एलसीएम लिया सर कितना आ गया 3, तो ये 5 माइनस 1 तो 4 अपॉन 3. एक और देखते डिफरेंस निकाल के ए थ्री माइनस के ए टू, ए थ्री कितना है 5 अपॉन 3 और ए टू है ए थ्री सॉरी 9 अपॉन 3 और ए टू है हमारा 5 अपॉन 3. एलसीएम लिया कितना आ गया 3 और यह आ गया 9 और माइनस के 5, तो ये 4 अपॉन 3. तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 4 अपॉन. Here is the question number 4, exercise 5.1. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write three more terms. तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कौन सी ये AP की फॉर्म में है, अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट थ्री टर्म्स की फाइंड करना है. देखिए तो फर्स्ट सीरीज ये इसकी यहाँ पर 2, 4, 8 एंड 16 और डेड एड्रेस. तो यहाँ पर एक कितना है, पहले सबसे हम फाइंड करेंगे ये एपी की फॉर्म में है कि नहीं, तो उसके लिए हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी की फॉर्म में है. तो देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू कितना है 4 और ए वन कितना है 2, तो ये कितना आ गया 2. एक और देखते हैं डिफरेंस निकाल के ए थ्री माइनस के ए टू, तो ए थ्री कितना है 8 और ए टू कितना है 4, तो ये कितना आ गया 4. तो देखिए डिफरेंस जो है कि वो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये क्या है एपी की फॉर्म में नहीं है.
तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी, तो ये क्या है, एपी की फॉर्म में नहीं है। अगर एपी की फॉर्म में होती है हम इसकी नेक्स्ट सीटम फाइंड करते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड दिए सीरीज 2, 5.2, 3, 7.2 और डेड डेड एस। तो यहां पर पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे ए टू माइनस के ए वन, तो ए टू कितना है 5.2 और ए वन कितना है, और ये 2, ये 1 एलसीएम लिया, तो यहां पर ये 2 सॉरी 1 आ गया, यहां पर 2 एलसीएम आ गया, ये 2 बन जाए 2 और ये 5 और 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 1/2। एक और देखते हैं निकाल के फाइंड, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री माइनस के ए टू, ए थ्री कितना है हमारा 3 और ए टू सेकेंड टर्म कौन सी हमारी 5/2, 5/2 यहाँ 1 लिया एलसीएम आ गया हमारा 2, डिवाइड के 2 को 1 से 2, 2 3 जा 6 और 5 इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब इस मींस ये एपी की फॉर्म में है, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। तो ये क्या है, एपी की फॉर्म में है, तो इसकी नेक्स्ट सीटम फाइंड करेंगे। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस को हम ऐड करते जाते हैं, तो 7/2 में हमने ऐड किया 1/2, तो कितना आ गया ये 2 और 7 + 1 = 8/2, 2 = 4 = 8। तो नेक्स्ट ये थ्री टर्म फाइंड करना है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर आ गए 4, और 4 में 1/2 प्लस करेंगे, 4 प्लस के 1/2 यहाँ 1 लिया, ये 2, तो 4 × 2 = 8 और प्लस 1 ये आ गया 9/2, ये आ गई 9/2। अब 9/2 में 1/2 प्लस करेंगे, डिफरेंस को प्लस करने आ रहे हैं, तो ये 2, तो 9 + 1 = 10/2, तो 2 = 5 = 10, तो ये थर्ड टर्म क्या आ गई अपनी, ये फर्स्ट सेकंड तीसरा टर्म आ गई अपनी ये।